आज हम बनाएंगे बहुत ही डिफरेंट तरह की रोटी जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। अगर आपके यहाँ कोई मेहमान आए, आप इस तरह इस रोटी को बना के सर्व करेंगे तो उन्हें बहुत पसंद आएगी। इस रोटी को आप पहले से तैयार करके रख सकते हैं और तुरंत इसे बना के आप सर्व कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक करें। इसके लिए 2 कप आटा लेंगे, जो हम नॉर्मल पराठों के लिए रोटी के लिए यूज़ करते हैं वही आटा है। इसमें 1/2 कप मैदा डालेंगे। मैदा से इसमें एक अच्छा लचीलापन आता है, टेस्ट भी अच्छा आता है, साथ ही साथ कलर भी बहुत अच्छा आता है। 1 छोटा चम्मच नमक, इन सबको डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे पहले। आपको मैदा नहीं पसंद तो आप उसे स्किप कर सकते हैं, केवल आटे से ही इसे आराम से बना सकते हैं। अब इसमें 1 बड़ा चम्मच तेल या घी कुछ भी डालें, उसे भी डाल के अच्छे से मिला लें आटे में। अब हल्का गुनगुना पानी से हम इस डो को तैयार करेंगे। हल्का गुनगुना पानी ले, थोड़ा थोड़ा करके डाल लें और नॉर्मल हम जो पराठों के लिए आटा लगाते हैं वैसे ही लगा के तैयार कर लें। मीडियम सॉफ्ट डो, देखिए आटा कुछ इस तरह का होना चाहिए, नहीं बहुत ज़्यादा हार्ड, नहीं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। अब इसमें हम थोड़ा सा घी लगाएंगे और 1 मिनट के लिए नीट कर लेंगे, गूंथ लेंगे। अब इसे ढक के हम 10 से 15 मिनट के लिए एक साइड रखेंगे। आटे को लगा के 10 से 15 मिनट के लिए जरूर से रखें, जिससे कि हमारा आटा अच्छी तरह से सेट हो जाएगा, अच्छी तरह से सॉफ्ट और स्मूथ हो जाएगा। आपको लग रहा होगा कि इस रोटी में डिफरेंट क्या है, नया क्या है। आटे में तो कुछ नया नहीं है, पर उसके साथ हम जिस मसालों को यूज़ करेंगे, जिस तरह यूज़ करेंगे, वो आपको ज़रूर डिफरेंट लगेगा। 2 बड़ा चम्मच बिल्कुल बारीक क्रश किया हुआ लहसुन, 2 बड़ा चम्मच पुदीना पत्ता बारीक कट के, या फिर आप धनिया पत्ता भी ले सकते हैं, 2 बड़ा चम्मच तिल, 1 बड़ा चम्मच ऑरेगनो, 1 बड़ा चम्मच चिली फ्लेक्स, 1 छोटा चम्मच अजवाइन, 2 से 3 हरी मिर्च, या हरी मिर्च आप अपने स्वादानुसार बिल्कुल बारीक काट के लें। इन सबको डाल के अच्छे से मिक्स कर लें। ये हमारा मसाला रेडी है। इधर हमारा आटा भी अच्छी तरह से भीग चुका है। अब फिर से हम हाथों पे थोड़ा घी लगाएंगे या फिर तेल लगाएं और 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह से गूंथ लें इसे। ये हमारा आटा तैयार है। अब इसमें से हम छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे, इस तरह इसे रोल करें और छोटे छोटे रोल्स बना लें। इधर सारे बॉल्स को तोड़ के अब हाथों में हथेलियों में इस तरह दबाते हुए चिकना करेंगे, पेड़े बना लेंगे। सारे पेड़ों को तैयार करके अब मसाला को लेंगे और थोड़ा थोड़ा मसाला इस पर इस तरह प्रेस करके लगा लेंगे। सारे पेड़े इसी तरह तैयार करके रख लें ताकि जब भी हमें इसे सर्व करना हो तो हम तुरंत इसे बेल के सर्व कर सकें। इस तरह करके रखने से आसानी हो जाती है, हम फटाफट रोटी बना के दे सकते हैं। तैयार करके गीले कपड़े से ढक के रखें ताकि हमारे पेड़े सूखे नहीं। अब जब भी आपको रोटी बनाना हो, एक पेड़ा ले, उसमें सूखा आटा लगाएं और इसे बेल लें। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं बेलना है, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं बेलना है। इस तरह बेल लें, देखिए इस तरह रोटी को बेल के। एक साइड तवे को हमने गर्म कर लिया, इसमें डालेंगे अब मीडियम फ्लेम में। एक साइड से सिकने दें, एक साइड सिक जाने पर पलटेंगे और दूसरी ओर भी इसी तरह सिकने देंगे। दोनों ओर से ये अच्छी तरह से सीख चुके हैं। अब डायरेक्ट फ्लेम पे इसे हम सेकेंगे। आप चाहे तो पराठे भी बना सकते हैं, पर हम इसे रोटी बना के तैयार करेंगे। देखिए कितनी अच्छी तरह से फूल भी रही है। अच्छे से क्रिस्प और लाल होने तक सेक ले। देखिए कितनी अच्छी रोटी सीख के तैयार हुई है। अब इसमें हम बटर लगाएंगे। आज हम घर का बटर यूज़ करेंगे, जो घर में हम मक्खन निकालते हैं वो लगाएंगे, उससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। आप चाहे तो घी भी लगा सकते हैं या मार्केट वाला बटर भी लगा सकते हैं। इस तरह सारी रोटी को सेक के तैयार कर ले। इस रोटी को आप किसी भी ग्रेवी वाली सब्जी और प्याज के साथ सर्व करें, ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही डिफरेंट लगते हैं।